भोलेनाथ का। तो आइए ना जयकार से ही शुरू करता हूं। हो मेरे भोले का जयकारा, तो फिर फायदा क्या है आपका आने का इस दरबार में? तेरा दोनों हाथ उठा करके प्रेम के साथ, ये कभी कंजूसी नहीं करते अपने भगत को देने में, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप ताली बजा करके गाने में कंजूसी कर रहे हैं, फिर कैसे बात बनेगी? हो मेरे भोले का जयकारा, मेरे भोले का जयकारा, जो दिल से लगाएगा मेरे बाबा का जयकारा, सब कट कट जाएगा, मेरा दावा है हर हाल में सब कट कट जाएगा। भाई तो पाँच छह बैठे कुर्सियां पे, वह भी एक बार जयकार लगा दो दोनों हाथ ने ठाकर, ठाओ जरा दोनों हाथ, दोनों हाथ ठाकर। हो मेरे भोले का जयकारा, मेरे भोले का जयकारा, जो दिल से लगाएगा मेरे भोले का जयकारा, जो दिल से लगाएगा मेरा दावा है हर हाल में संकट कट जाएगा, मेरा दावा है हर हाल में संकट कट जाएगा। और कौन अपना संकट कटवाने आया इस बाबा भोलेनाथ के पावन दरबार में? जो संकट काटते हैं ना हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज और बाबा भोलेनाथ में अंतर भी आपको बताऊंगा। आएगा जो जो अपने संकट कटवाने आए, गर्भ रुद्र अवतार है श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज, जरा दोनों हाथ उठाकर जो संकट अपना कटवा के लिए आए हैं बाबा के पावन दरबार में, वो दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ गाएंगे। भोले का जयकारा, मेरे बाबा का जयकारा, जो दिल से लगाएगा भोले बाबा का जयकारा, जो दिल से लगाएगा मेरा दावा है हर हाल में संकट कट जाएगा, मेरा दावा है हर हाल में संकट कट जाएगा।
लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में ये बाबा है नाम मेरा बाबा है हर हाल में संकट कट जाएगा Thank you.
परम आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नाम लेना भूल गया था, क्योंकि आदरणीय श्री तुरंतपुरी जी महाराज, क्योंकि ऐसे गुरुओं का दर्शन करना ही कल्याण होता है उनके शिष्यों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ और बहुत बहुत इस पावन दरबार में इस समिति की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ गुरुदेव का, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी शख्सियत है जो अपने शागिर्द को सितारा बना देती है। भगवान के बारे में बताते हैं, अच्छा ये बताइएगा बाबा भोलेनाथ के इस पावन कीर्तन में किस किस को आनंद आ रहा है? झूठ मत बोलना, जिसको आनंद आ रहा हो ना वो दोनों हाथ उठा करके इन अपनी हस्तरेखाओं को बदलवा लेना। आज के दिन बहुत बहुत भक्तों की तकदीर बदल जाएगी, ये मुझे विश्वास है।